हाँ जी बच्चों, हम मैट्रिक्स के बारे में कर रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। कल हमने मैट्रिक्स की एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव के बारे में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2, 2 × में एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड टी प्लस 3, 1 माइनस 1 और 0, 2। इज इक्वल टू 3 × 3, 5 और 6। तो इसको सोल्व करेंगे और हमें सोल्व करना है इस मैट्रिक्स को, कि कैसे सोल्व करेंगे, क्या आंसर आता है हमारा, वो देखिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, 2x 2y 2z 2t। 3 से ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई, 3 − 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18। तो ये मैट्रिक्स ऐड करेंगे, क्या आएगा, 2x + 3 2y − 3 2z + 0 2t + 6 = 9 15 12 18। आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होते हैं। तो क्या हुआ, 2x + 3 = 9, 2x = 9 − 3, 2x = 6, x = 6/2, वी फाइंड आउट 3। हाँ जी, 2y − 3 = 15, 2y = 15 + 3, 15 + 3 = 18, y = 18/2, 2 × 9 = 18। हाँ जी, 2z = 12, z = 12/2, 6, 2t + 6 = 18, 2t = 18 − 6, 2t = 12, t = 12/2, तो 6। हमें एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सोल्व करना था। इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन है मैट्रिक्स इक्वेशन, क्या देखिए, x − y 2 − 2 2 − 2, सेकेंड रो 4x 6 प्लस 2 − 2 2 1 0 − 1 = 6 0 0 6 0 0 5 2x + y 5। क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम ऐड करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री, टू माइनस टू प्लस माइनस माइनस, माइनस टू प्लस टू, फोर प्लस वन, एक्स प्लस ज़ीरो, सिक्स माइनस वन इक्वल सिक्स ज़ीरो ज़ीरो फाइव, टू एक्स प्लस वाई फाइव। तो सोल्व करो, क्या आया, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री, टू माइनस टू ज़ीरो, माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, फोर प्लस वन फाइव, एक्स सिक्स माइनस वन फाइव, सिक्स ज़ीरो ज़ीरो फाइव, टू एक्स प्लस वाई फाइव। तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल क्या है बच्चों, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, और एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, इधर ले आओ, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस कॉमन ले लिया, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, एक्स की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट किया तो क्या आया, माइनस वाई इक्वल टू थ्री, तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, वाई की वैल्यू माइनस थ्री बाय टू, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स की वैल्यू थ्री बाय टू, वाई की वैल्यू माइनस थ्री बाय टू। अब नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन बेटा आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं, तो नाइन को कैसे करना है, क्या करते हैं वो देखें। क्वेश्चन नंबर नाइन है, सोल्व फॉर मैट्रिक्स एक्स द इक्वेशन, एक्स के लिए मैट्रिक्स को सोल्व करना है, क्या है, एक्स प्लस मैट्रिक्स है थ्री इंटू थ्री ऑर्डर में, जीरो वन फाइव, जीरो वन फाइव, वन जीरो फोर, टू माइनस सिक्स एट इक्वल वन टू थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री टू वन, ये गिवन है हमें, ये एक्स मैट्रिक्स निकाल, तो क्या करें, इस मैट्रिक्स को उधर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री टू वन, माइनस जीरो वन टू, वन जीरो माइनस सिक्स फाइव फोर एट, हाँ जी वन माइनस जीरो, टू माइनस वन, थ्री माइनस फाइव, टू माइनस वन, थ्री माइनस ज़ीरो, वन माइनस फोर, थ्री माइनस टू, टू प्लस माइनस माइनस प्लस, वन माइनस एट, तो क्या आया हमारे पास, वन माइनस ज़ीरो वन, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस फाइव माइनस टू, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस थ्री वन, एट माइनस सेवन। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो एक्स मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है हमारे सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ अभी आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ए मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर में, फर्स्ट रो है 5-1, 3-2, बी मैट्रिक्स है 4-3-1-2। तो मैट्रिक्स की मैंने ए और बी, तो फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। ये क्वेश्चन नंबर पहले आपको 9 करवाया था, अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 है 1.2 एक्सरसाइज का। तो 10th में क्या है निकालना, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या गिवन है 3a-2b+3x=0। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो ये किस चीज़ का होएगा, -2b है तो प्लस का 2b, माइनस का 3a। तो x इक्वल टू क्या हो बच्चों, 1/3 2b-3a। तो ये वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम 2b निकालते हैं सबसे पहले, 2b क्या है b मैट्रिक्स, -4 3-1-2। तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2, 2-4 से मल्टीप्लाई, 2 की -4 से -8, 2 3 6, 2 1 2, -4। नेक्स्ट 3a, 3 इंटू में a की वैल्यू 5-1 3-2, 3 5 15, -3 3 3 9, 3 2 6। अब क्या है 2b-3a, अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 2b की वैल्यू -8 6 2-4 -3a 15 -3 9 6। हाँ जी, -8 -15 6 -2 -9 -4 -6, -8 -5 15 -23, 6+3 9, 2-9 -7, -4 -6 -10। अब हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू 1/3 इंटू में 2b-3a। तो 2b-3a की वैल्यू ये है हमारे पास, तो क्या आएगा 1/3 -23 9 -7 -10। तो स्केलर प्रोडक्ट बताया था आपको, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा -23/3 9/3 -7/3 -10/3। तो क्या है बच्चों, -23/3 3 3 9 -7/3 -10/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 था जो हमारा, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम करते हैं 11th, मैंने आपको बताया था कि 10th और 11th सेम है, तो 11th क्वेश्चन खुद करेंगे। नेक्स्ट 12th और 13th के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि 12th क्या है और 13th क्या है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी 12th और 13th क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू 2 × 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट रो 7 0 टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3 है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 7 0 2 5 प्लस, ऐड किया हमने 3 0 0 3, वाई से वाई कैंसल, एक्स और एक्स 2x, ऐड करेंगे 7 + 3 0 2 + 0 5 + 3, एक्स इक्वल टू 1/2, 7 + 3 10 0 2 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 0 1 4। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 7 0 2 5, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 0 0 3, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई 2y 7 - 3 0 2 - 0 5 - 3 5 - 3। तो अब क्या आता है हमारे पास, 2y 7 - 3 4 0 2 5 - 3 2, ठीक है बच्चों। तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू आया 1/2 4 0 2 2 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 2 0 1 1, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या है बेटा, 2x + y इज इक्वल टू 2 × 3 ऑर्डर में मैट्रिक्स है, 4 4 7 7 3 4। सेकंड है हमारे पास x - 2y, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड है हमारे पास x - 2y इक्वल टू -3 2 1, वन माइनस वन 2, ये बेटा हमारे पास। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैसे तो ये हमारे क्वेश्चन कुछ हद तक मिलते जुलते हैं 10th क्लास के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे वहाँ कॉन्स्टेंट होता था, यहाँ मैट्रिक्स आ गया, तो करेंगे वही। क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें सेकेंड से, ठीक है बेटा। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आया 4x, या आप इसको ऐसे कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x + y इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई होगी, 4 4 7 7 3 4। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4x 2y 2 4 8 2 4 8 2 7 14 2 7 14 2 3 6
टू फोर जा एट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। अब क्या है, कोफिशेंट वाई के इक्वल हो जाते हैं, हम क्या करें इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं, थर्ड और सेकेंड को क्या कर दें, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 2y, ऐड किया 8, 8, 14, 14, 6, 8 प्लस माइनस 3, 2, 1, 1, माइनस 1, 2 2y कैंसिल, 4x और x 5x, ये ऐड करेंगे तो 8 माइनस 3 8 प्लस 2 14 प्लस 1 14 प्लस 1 6 माइनस 1 8 प्लस 2, तो क्या आता है हमारे पास, 8 माइनस 3 5 8 प्लस 2 10 14 प्लस 1 15 14 प्लस 1 15 6 माइनस 1 5 8 प्लस 2 10। तो अब x इक्वल टू क्या आया, 1 by 5, 5, 10, 15, 15, 5, 10, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 3, 1, 2, तो ये वैल्यू आई हमारे पास x की, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो वो देखिए y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके y के कोएफिशिएंट इक्वल किए थे, हम क्या कर देते हैं अब सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 इंटू में x माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू में माइनस 3 2 1 1 माइनस 1 2, क्या बना 2x माइनस 4y माइनस 6 2 2 जब 4 2 2 माइनस 2 4, ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं फोर्थ और फर्स्ट, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट क्या है 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2x माइनस 4y इजिकल टू, ये ऐड किया हमने इन दोनों को 2x प्लस वाई, तो क्या है 4 4 7 7 3 4 प्लस x को इलिमिनेट करना था तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बेटा, ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस, क्योंकि हमें एक्स के कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं, इक्वेट किए हमने तो एक्स के कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए एक्स इलिमिनेट होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट होने से इलिमिनेट होगा ऐड से नहीं होगा, तो क्या आएगा बच्चों 2x माइनस 4y की वैल्यू माइनस 6 4 2
टू माइनस टू फोर, तो क्या हुआ टू एक्स से टू एक्स, वाई प्लस फोर वाई फाइव वाई, हाँ जी फोर माइनस माइनस प्लस फोर माइनस फोर, सेवन माइनस टू, सेवन माइनस टू, थ्री प्लस माइनस माइनस प्लस फोर माइनस फोर, तो क्या आया हमारे पास वन बाय फाइव, फोर प्लस सिक्स टेन, फोर माइनस फोर जीरो, सेवन माइनस टू फाइव, सेवन माइनस टू फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, फोर माइनस फोर जीरो, तो फाइव से डिवाइड करेंगे क्या है बच्चों, फाइव टू जा टेन जीरो, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, तो ये हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ जाती हैं, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 है वो कंप्लीट हो जाती है बेटा। तो ये 1.1 और 1.2 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल नंबर मैंने अपना लिख रखा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।